Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में. और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली डेली अपडेट्स का. तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर. केजरीवाल के घर के सामने विरोध प्रदर्शन के मामले में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या से पुलिस ने की पूछताछ. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर 30 मार्च को किए गए प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने भाजपा के सांसद व भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की. पूछताछ करीब 10 दिन पहले की गई थी. दिल्ली पुलिस ने सूर्या को CRPC 41 के तहत 2 नोटिस दिए थे. एंटी करप्शन अफसर बनकर मनी एक्सचेंजर के घर पर 15 लोगों ने छापा मारा. पुलिस ने 4 को किया अरेस्ट. दिल्ली के शाहदरा थाने के ठीक पास में बने एक घर में 3 जुलाई की शाम 6 बजे 15 लोगों की एक टीम घुसी. उन्होंने खुद को पंजाब एंटी करप्शन का अफसर बताते हुए सभी घर वालों के फोन छीन लिए और रेड शुरू कर दी. ये घर एक मनी एक्सचेंजर का है जो चांदनी चौक में काम करते हैं और जब घर वालों ने उनसे सर्च वारंट मांगा तो वो हथियार दिखाकर धमकाने लगे. जान निकलने तक पत्थर से मारता रहा बदमाश. सीसीटीवी फुटेज से सामने आया दिल्ली का दिल दहला देने वाला हत्याकांड. दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में शुक्रवार दोपहर पैसे के लेन देन के विवाद में एक बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर एक युवक की चाकू से गला रेत दिया. इतने पर आरोपियों का दिल नहीं भरा तो उन लोगों ने युवक के सिर पर तब तक पत्थर से हमला करते रहे जब तक वो मर नहीं गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को पास के अस्पताल में भर्ती कराया. दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम का दावा, जेल के अंदर हमला हुआ, आतंकवादी बताया गया. साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे मामले में गिरफ्तार JNU के पूर्व छात्र शर्जील इमाम ने बड़ा दावा कर दिया है. उनका कहना है कि जेल के अंदर उन पर हमला किया गया और जेल के अंदर ही सर्च के नाम पर बसलूकी की गई और उन्हें आतंकवादी राष्ट्र विरोधी कहा गया. ऐसे में अपनी जान को खतरा बताते हुए शर्जील इमाम ने दिल्ली की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है. शर्जील ने अपने वकील अहमद इब्राहिम के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दायर की है. अगले 24 घंटे में गर्मी के तेवर होंगे ढीले. आज कुछ जगह पर हो सकती है बारिश. राजधानी में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया. मॉनसून वाले बदरा रुक रुक कर बारिश के ऊपर आसमान में सिर्फ डेरा डाल आगे बढ़ रहे हैं. बारिश न होने की वजह से तेज धूप में व नमी वाली हवा से उमस बढ़ गई है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे यानी बुधवार को मॉनसून की बारिश एक बार फिर गर्मी के तेवर ढीले कर सकती है. गोल्डी ने बताया था खुल गया है मूसेवाले का घर का दरवाजा. 19 साल के अंकित ने मारी थी 20 गोलियां. गोली बरार लॉरेंस विश्नोई गिरोह के सबसे युवा शूटर हरियाणा के अंकित उर्फ छोटा ने सिद्धू मूसेवाला को 20 गोलियां मारी थी. उसमें दोनों हाथ में एक एक पिस्टल लेकर पंजाबी गायक पर नजदीक जाकर गोलियां चलाई थी. उसने दोनों ही पिस्टल खाली कर दी थी. बताया जा रहा है कि अंकित ने ही गायक मूसेवाला को सबसे ज्यादा गोलियां मारी थी. दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले गोली बरार का प्रियव्रत उर्फ फौजी के पास कॉल भी आया था. सिविक एजेंसियां जल्द नहीं सुधरी तो बारिश में ठप हो सकती है दिल्ली. 96 जगहों की हुई पहचान. दिल्ली की सिविक एजेंसियां अगर जल्द नहीं सुधरी तो तेज बारिश में दिल्ली ठप हो सकती है. अलग अलग इलाकों में 96 जगहों पर जल जमाव होगा. नतीजा इसका ट्रैफिक जाम के तौर पर मिलेगा. ट्रैफिक पुलिस ने 30 जून की पहली मानसूनी बारिश में सड़कों पर जल जमाव वाली जगहों की पहचान की है. दिल्ली सरकार MCD समेत सभी संबंधित एजेंसियों को पुलिस ने आगाह किया है कि इन जगहों पर तत्काल जल निकासी का उचित इंतजाम किया जाए. विधानसभा में बोले सिसोदिया, केंद्र सरकार ताश के पत्तों और म्यूजिकल चेयर की तरह अधिकारियों का कर रही है तबादला.
विधानसभा सत्र के दौरान सेवा विभाग की कार्यप्रणाली से पैदा हुए हालात पर चर्चा की गई। सत्ता पक्ष ने सदन में आरोप लगाया कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार के दायरे से सेवा विभाग को हटा देना असंवैधानिक कदम है। चर्चा में भाग लेते हुए मनीष सिसोदिया ने सदन में कहा कि असंवैधानिक तरीके से सेवाओं को दिल्ली सरकार से छीनकर केंद्र सरकार अधिकारियों के तबादले कर रही है। उदयपुर की घटना के विरोध में निकाला पैदल मार्च, हत्यारों को जल्द सजा देने की मांग। उदयपुर में कन्हैया लाल के नृशंस हत्या के विरोध की आग अब डीयू तक पहुंच गई है। डीयू के दक्षिणी परिसर में हत्या के विरोध में एवीवीपी दक्षिणी विभाग के कार्यकर्ताओं ने बीते 24 घंटे में 749 मरीजों ने कोरोना को दी मात, एक ने तोड़ा दम, संक्रमण दर 5% के पार। राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 420 नए मामले मिले हैं, एक मरीज की मौत हुई है। नए मामलों के साथ संक्रमण दर 5.25% दर्ज की गई है, तो वहीं 749 मरीजों ने कोरोना को हराया है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।